तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ेंगे सेमेस्टर टू में जितने भी लोग IRC और MDC का पेपर रखे हैं, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में यूटिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उपयोगिता, इन सब के बारे में पढ़ना है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टच करेगा आपके एग्जाम से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होता है, इसमें फुल मार्क्स 75 और टाइमिंग 3 आवर, सेशन 22-26 में पूछा गया पेपर है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पांच सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये पांचों जो है 2-2 मार्क्स के हैं, फिर आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो पहले देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कि रॉबिन्स के अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या, ठीक है। प्रोफेसर रॉबिन्स दोस्तों, इन्होंने डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, ठीक है। धन संबंधी परिभाषा जो है एडम स्मिथ ने दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम पर स्थिर रहे तो सीमांत उपयोगिता का मूल्य होगा, ठीक है, कितना होगा सीमांत उपयोगिता का मूल्य, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ कि पैमाने के प्रतिफल, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, पैमाने के प्रतिफल लगता है आज नहीं बनाने दीजिएगा ना वीडियो। चलिए दोस्तों, मैं बता नहीं पाऊँगा, ठीक है, मतलब पेंसिल का उपयोग नहीं कर पाऊँगा, स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। तो पैमाने के प्रतिफल कार्यशील होते हैं, क्या होते हैं, तो लॉन्ग पीरियड के होते हैं, ठीक है, दीर्घकालीन होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, और बी नंबर छोड़ दिए, नहीं छोड़े हैं, उसका 0 हो गया आंसर। देखिए इसमें पूछा गया था आपका उत्पादक संतुलन की स्थिति वहाँ है जहाँ क्या होता है, इनमें से कौन सा इक्वेशन लगेगा, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। एंड ई नंबर है कि रिकार्डो के अनुसार सीमांत भूमि पर लगान की मात्रा होगी, कितनी होगी, तो दोस्तों 0 होती है, 1 भी रुपया लगान नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जिसमें से 2.5-2.5 मार्क्स के दोनों हैं, यानी कि 2 मार्क्स एंड 50, 2.5 नंबर जानते हैं जी, हाँ। तो यहाँ पे 9 प्रवर्तन लाभ और केंद्रीय आर्थिक समस्याएँ, यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन दोनों टॉपिक पे आपको जो है 50-50 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके 15 मार्क्स के हैं, एंड इधर आपको किसी 4 प्रश्न को बनाना है, टोटल आपके 6 क्वेश्चन हैं, किसी 4 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, और इसका आंसर आप लोग लगभग 300 से 400 शब्दों में कर दीजिए, खड़ा पन्ना 2 को, ठीक है, दोनों साइड लिख दीजिए, आपका आंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि उदाहरण सहित व्यष्टित एवं समष्टि, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, इंग्लिश में है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, मिक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अंतर बताना है, और स्टडी विद एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको उदाहरण भी देना है, 2-3 को एग्जाम्पल दे दीजिएगा, और क्या। अगला है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें, इसके मान्यता का उल्लेख करें, इंग्लिश में है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैग्रीन, क्या है जी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, व्हाट आर इट्स एजम्पशन, तो इसके एजम्पशन भी बताने हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, बट आप लोगों के लिए यार मैं क्वेश्चन केवल लाता हूँ, ठीक है, टाइम टू टाइम। अगला है आपका कि सीमांत उपयोगिता हो गया, 4th क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मांग फलन की व्याख्या करें, ठीक है, और व्यक्तिगत एवं बाजार मांग फलनों में अंतर बताना है, इंग्लिश में है कि एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फंक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि सम उत्पाद वक्र क्या है, सम उत्पाद वक्र की विशेषता स्पष्ट करें, इंग्लिश में है कि व्हाट आर आइसोक्रेंट डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात के नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें, इंग्लिश में है कि क्रिटिकली डिस्कस द लॉ ऑफ वेरिएबल
proportions used in production, ठीक है। एंड सेवन नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के बाजार में TR, AR तथा MR अंतर संबंध को दर्शाइए, इनमें क्या अंतर संबंध होता है। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन TR, AR एंड MR अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट, ठीक है। एंड एट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, इंग्लिश में कि क्रिटिकली एक्सप्लेन द रिकार्डो हैं जी हाँ रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। एंड अंतिम क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि ब्याज निर्धारण की परंपरावादी सिद्धांत की व्याख्या करें, इंग्लिश में कि डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, डिटर्मिनेशन। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं सभी टॉपिक पे कम से कम 50 वर्ड करके लिख लीजिएगा घर पे, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। हाँ, लेकिन सिलेबस यही है, तभी ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस एग्जाम में सिलेबस कुछ दूसरा है और यहाँ पे कुछ दूसरा पढ़ रहे हैं, तब काम नहीं देगा दोस्त, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो अगर आपको मिक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी, इन सब के बारे में पढ़ना है तब आपको ये काम देंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF का लिंक वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी आपके जितने भी कॉमन कोर्स के पेपर हैं, जैसे कि आपका हो गया लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है, उसके बाद आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, इन सब के पेपर अपलोडेड हैं, IBS सब के पेपर अपलोडेड हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, मेजर पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो।